तो सर कितने मतलब मिनिमम पीस कितने ले सकते हैं यहाँ पे? सर 5 पीस ले लो, 10 ले लो, 2 ले लो, हम सब कर देते हैं। कम से कम 5 पीस पे मिल जाएगा होलसेल में? मिल जाएगा। 2526 का ग्रेड कौन सी है? P4 डब्बे चार्जर के साथ ओरिजिनल फोल्डर। चलो इसके क्या कैटेगरी होगी? P4 हो गए। अभी आपके सामने आ जाएगी कैटेगरी, मैंने स्कैन करा, रेट आ गया। किसमें आया? दोबारा कर लेंगे। चलो M12 P4 3947 रुपये का। वन प्लस वगैरह ये लो। देखो मतलब ये बॉक्स वाले फ़ोन भी है सारे इसमें? सारे ही हैं इसमें। अभी आपको स्कैन कर करके बताता हूँ रेट इसके। सबसे रिव्यू भी ले लेते हैं। सबसे ले लो। सर कब से जुड़े हुए उनके साथ? सर मैं तो एक बार पहले लेके गया था और एक बार अब लेके जा रहा हूँ। माल ओके निकलता है, QC एकदम फर्स्ट क्लास है। प्राइसिंग वगैरह कैसी लगी? सब ठीक चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है। हाँ, माल रिकमेंड करोगे? बाकी लोगों को रिकमेंड करोगे? बिल्कुल, आइएगा और भैया से जुड़िएगा अच्छे तरीके से। माल ओके, बिल्कुल सही है। ओके ओके, मतलब लेके जाने वाले हो आप? देखते हैं पावर कितने का है। P4 की रेशियो आती है आजकल 60-70% के बीच। चलो ये ओके निकला है। ये लो, मतलब P4 में कई तो ये ऐसे भी होते हैं एकदम ब्रांड न्यू, जैसे ओपन बॉक्स जैसे भी निकलते हैं। ये P4 है जी, बॉक्स वाला है। और चेक करके लेना जाए कोई? वो अलग रेट है। अलग रेट है। तो ये कितने में? ये आएगा 6474 रुपये का P3। P3 ये देखो, P5 में तो डैमेज होता होगा? नहीं, डैमेज होता है। सही है, ग्लास है थोड़ा सा। बस 3000 रुपये का फोन है। 3000 रुपये में सिर्फ, क्या बुरा। तो दोस्तों आज आपको लेके आ चुका हूँ सेलफोन.in नोएडा से, जहाँ पर आपको प्रैक्सो का स्टॉक मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। पेटी टू पेटी में चाहिए और किसी चेक में चाहिए या वैसे चाहिए तो सारा मतलब मिल जाता है। पेटी की पेटी पूरी आती है। फ्लिपकार्ट का माल होता है, अमेजोन का भी होता है सर? फ्लिपकार्ट का। बाकी खुली हुई पेटी है यहाँ पे, सील पैक पेटियाँ भी है। बाकी बाहर भी काफ़ी बड़ा ऑफिस है तो पेटियाँ अंदर भी रखी हुई है। तो सर जी क्या हाल है? नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सर। सर अपना नाम बता दो एक बार, मुझे तो पता ही है वैसे। मेरा नाम है केशव अरोड़ा। केशव अरोड़ा जी, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। okay. मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा दिल्ली का, दिल्ली नोएडा का? स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा, बट अब ठीक है, अब मामला सेट है। अब ठीक है। ठीक है, तो अपने फर्म का नाम बता दो एक बार। सर हमारी फर्म का नेम है, जैसे बिल बनाए, KR ग्लोबल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये फर्म का नाम है। और वैसे हमने नाम रखा है, अभी बिल बनाया है 4,55,000। ठीक है, 29,4,2023। ठीक है। तो सर एड्रेस क्या होता है आपका प्रॉपर? एड्रेस होता है हमारा A88 सेक्टर 4 नोएडा, नियर बाय मेट्रो सेक्टर 16। सेक्टर 16 मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस है 700-800 मीटर, इतना मीटर ही है। वॉकिंग से भी आप आ सकते हैं, बाकी रिक्शे ऑटो रिक्शे वगैरह सब कुछ आता है यहाँ पर। तो सर किस चीज़ में डील करते हैं आप? सर पता ही है आपको, प्रैक्सो। मुझे तो पता है ना, व्यूअर को बताना पड़ेगा। प्रैक्सो, हाँ प्रैक्सो का एक मास्टर है, हमें वही आता है और कुछ नहीं आता, वही कर रहे हैं। प्रैक्सो फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट अमेजोन हमें नहीं समझ। पहले अमेजोन भी था? अरे थोड़ा बहुत करते हैं, वो समझ नहीं आता सर। ठीक है, फ्लिपकार्ट ही समझ आता है। इस समय महंगा भी है माल ना, तब भी फ्लिपकार्ट ही करेंगे। अच्छा, उसमें मिसमैच नहीं आता सबसे बड़ा। अमेजोन में जो कूड़ा ज्यादा आता है सुना है मैंने। ये देखो, ये मैंने कल पैकेट टू पैकेट में लगा के रखे थे। ये देखो मिसमैच निकले, एक एक फोन 6,000 रुपए का क्या निकला। अच्छा, चलो मैं किसी को ये नहीं कर रहा अभी, तुम जिसको वो जिसको जो अच्छा लगता है बोलो, जिसको जैसी प्राइसिंग। मैं ये नहीं कह रहा अभी, वो बुरा है, हमें समझ नहीं आता। ठीक है, हाँ। तो प्रैक्सो को एक बार डिटेल में बता दो क्या चीज होती है, क्योंकि मुझे तो पता है व्यूअर को नहीं पता। हमारे पास ज्यादा P2P चलता है। ठीक है, मतलब जैसे पेटी खोली, 2-3 लोग हैं, मिला के माल दे दिया सबको 5-7% पे, जो जिसको मॉडल चलते हैं वो ले जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अभी ये लेना पड़ेगा, हाँ अगर आपने स्पेशल अपने लिए पेटी खुलवाई है तो फिर तो आपको सारी लेनी पड़ेगी। उसमें से 2-4 मॉडल आप पहले ही छांट सकते हो, रेट देखने के बाद नहीं छांटेंगे। ठीक है, मान लो एक फ़ोन निकला S20 FE 5G, अगर वो निकला है P4 का वो निकलेगा 10,000 रुपये का, अगर निकला है P1 का वो निकलेगा 20,000 रुपये का। रेट देख के नहीं छोड़नी, वैसे आप छेड़ सकते हो। तो मतलब लिस्ट वगैरह नहीं मिलती? पहले लिस्ट मिल जाएगी, मतलब लिस्ट में जैसे लिस्ट ये है, ये लिस्ट है, तो जैसो मॉडल की लिस्ट है, VRP की लिस्ट प्राइस के साथ मिल जाएगी, बॉक्स की लिस्ट प्राइस के साथ नहीं मिल सकती। ठीक है पूरी VRP की मिलेगी, पूरी VRP की लिस्ट मिलेगी। प्राइस एक पेटी भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। VRP 5 पीस की भी आती है, 500 की भी आती है, 1000 पीस की भी आती है। तो जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी। हाँ, अगर बॉक्स लेना है तो बॉक्स में प्राइस, अगर कोई बॉक्स में प्राइस पहले बता रहा है तो फिर दैट मीन्स उसने माल खोला हुआ है। ठीक है, तो फिर प्रैक्सो एक तरह से वो होता है जो एक्सचेंज वाला माल होता है।
पता ही है कस्टमर एक्सचेंज का, सबको पता है, सबको पता है। हमारा होलसेल का काम है, सिंगल पीस वाले बायर ना फोन करें, ठीक है। और कोई भी बल्क बायर हमें डील करना चाहता है सुबह 11 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, 7 बज के 2 मिनट हुए ही फोन नहीं उठेगा। और वर्किंग डेज 6 दिन, संडे ऑफ, 6 दिन संडे ऑफ होता है, संडे ऑफ होता है नोएडा में, संडे ऑफ होता है, करोल बाग में मंडे ऑफ होता है। करोल बाग गफार मार्केट भी बंद होती है मंडे को, ऑलमोस्ट सारी मार्केट वहाँ पे मंडे को बंद होती है, बस सोम बाजार लगता है। हाँ, करोल बाग में बिल्कुल वो मंडे का होता है। तो दिखाते पेटी खोल के दिखाए या इनमें से दिखाए कैसे? फिलहाल पेटी तो नहीं खोल सकता। अच्छा पेटी खोल इसी में से दिखा देते हैं, पेटी नहीं खोल सकता, पेटी खोल जाएगी ना जब तो कस्टमर लेता नहीं है। अच्छा उन्हें लगता है कि चेक करा होगा। हाँ बस 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 ये QC वाला माल है, ये है QC Realme का, नहीं QC वाला माल, मीन्स BCD ग्रेड। अच्छा। तीनों है इसमें ABCD चारों ग्रेड है। अब ये D ग्रेड का है, ग्लास ब्रोकन कॉपी। अब इसका रेट आएगा 7,000 रुपये, कॉपी फोल्डर प्लस इतने का इसका बोर्ड है, ठीक है 7,000 का। हाँ अब ये S20 FE है, ये आपको मिल जाएगा और सिर्फ 14,000 रुपये में, इसकी थोड़ी कंडीशन रफ है। ठीक है 14,000 में, सिर्फ 14,000 रुपये में। किस कैटेगरी में? P3 में। MI का Y2 है, QC ओके में मिलेगा आपको 3800 रुपये में ओरिजिनल फोल्डर के साथ। Y2 3800 रुपये में जी, ठीक है। ये भी P3 पीते हैं, ये QC है। अच्छा ये QC वाले फुल QC ओरिजिनल फोल्डर के साथ, ये उसके प्राइस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। M51 है, ये GB के साथ रेट लगेगा, 7.5 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है GB के अकॉर्डिंग। अगर 8/128 हुआ तो 8-8.5 के बीच का 82-83 रुपये का रेट होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे MI का 10R है, ये भी QC वाला है। हाँ ये भी QC वाला है, ठीक है। कितने का पड़ेगा? 23,500 हुआ, 23,500 में। हाँ MI 10R। मोटो का S30 है, 8/128 होता है, बच्चों ने गलत लिख दिया, 8/128 होता है। ये मिलेगा आपको 13,000 रुपये में, मार्केट का इसका QC का रेट 16,000 रुपये है, 13,000 में। ये 13,000 तो ये भी QC तो है आपके यहाँ? हाँ QC, ठीक है। ये Google Pixel 4a है, ये ओरिजिनल फोल्डर के साथ आपको मिलेगा मात्र 9,000 रुपये में, 9,000 का Pixel 4a। हाँ QC का रेट है ये सारे। ये रखा है सेट, शायद गिरता बच गया, ये सेट है ना। हाँ Pixel 4a जी। पोको का X3 है, गेमिंग फोन होता है, 6/64 है, ये मिलेगा 7,500 रुपये में, 7,500 QC में, QC में, ठीक है। Realme 2 है, फोल्डर ओरिजिनल है, साइड वाला बटन खराब है, मिलेगा मात्र, बैटरी फुली हुई, मात्र 3500 रुपये में, 3500 रुपये में। ऐसे हम रेट दे देते हैं, सब मार्केट से बढ़िया रेट में देते हैं। किसी को बॉक्स टू बॉक्स चाहिए, VRP to VRP चाहिए तो वो अलग रेट है। तो ये सारा QC वाला ही है वैसे? अरे ये QC वाला, सारा QC वाला सारा। ये सारा QC में, जब हम खोलते हैं ना, जब P2P में बचता है वो हम QC में डाल देते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर उसको दोबारा बोलेंगे ना ये P2P में ले, वो बोलेगा यार किसी का छोड़ा हुआ माल है मैं क्यों लूँ इस चीज़ का। तो बॉक्स टू बॉक्स किसी को चाहिए, अभी सुबह 25 पेटी आई थी, सिर्फ बची है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको पता ही अभी कितना रश था, 18 खत्म। हाँ तो अभी बाहर भी खड़े, अभी भी कस्टमर्स हैं, कस्टमर है अभी बाहर भी, उधर भी हैं कस्टमर। बिल बन रहे हैं, इधर आपको दिखा देते हैं ऑफिस का अपना, इधर ऑफिस का सेटअप इधर बनाया हुआ है, बिल बन रहे हैं सबके, कस्टमर खड़े हुए इधर, ठीक है। इधर भी अपना ऑफिस, इधर भी हम QC का सिस्टम रखा हुआ था, ठीक है। इधर सारा QC होता है, QC होती है इधर सारी। कस्टमर इधर भी बैठे हुए, मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा अभी क्योंकि माल लिया हुआ, बिल बनने हैं बस, ठीक है। तो टाइम आप देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं, 8:30 अभी 10:30-11 बज जाएंगे। आप बोल रहे थे लेट आए, मैं और जल्दी आता तो क्या होता, अभी 8:09 हुए, और जल्दी आता तो भीड़ मिलती और ज्यादा। हाँ 1 घंटा तो हो गया, वीडियो कैसे बनती फिर? तो चलता ही रहता है सर, आपको पता ही है, आप कितने दिनों बाद आप आ जाए। बाकी बॉक्स टू बॉक्स में हम आपको 3% में बिल कर देंगे, 3% 4% और फ्लिपकार्ट की रेट लिस्ट आती है। हाँ उससे तो वो ओरिजिनल रेट लिस्ट होती है, रेट कार्ड आपको एडिटेड तो नहीं होती सर? कभी जिंदगी में आज तक एक भी फोन का रेट ग्रेड चेंज नहीं किया। अच्छा मतलब जो सेम आती है वही आ गई एज इट इज, क्योंकि देखो सर छोटे छोटे काम करेंगे ना ये, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने वीडियोस देखी है, इवन बनाई भी है, वो बोलते माइनस में दे देंगे
सर माइनस में पहले चल रहा था, मैंने माइनस 7 तक मैंने खुद भी नहीं की है। तो माइनस में कैसे दे सकता है बंदा? माइनस में इसलिए देता था, माइनस 10 में आता था ना। अच्छा, माइनस 10 में माल आता था, माइनस 8 में आता था, ये बात है। तो माइनस 7 हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है। ग्रेड कोई नहीं चेंज करता सर, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। अच्छा, जो लिस्ट होती है वो सेम होती है सर? कितने ग्रेड चेंज कर लेंगे? मान लीजिए आपने P4 का P2 एक फोन बना भी दिया, अगर उसमें से डिस्प्ले खराब निकल आई तो कस्टमर तो गाली देगा ना तुम्हें। ग्रेड कोई नहीं चेंज करता सर, वो जो भी होता है उसी में होता है, ऊपर नीचे प्लस माइनस। हाँ, जिसने काम नहीं करना वो ग्रेड चेंज करेगा, जिसने काम करना है वो सोचेगा एक ही बार में प्रॉफिट कर लूं तो सर, वो एक ही बार होता है ना, खत्म। फिर हम तो अंडा खाते हैं, मुर्गी थोड़ी खाएंगे। मुर्गी एक बार खा लेंगे फिर अंडा मिलेगा नहीं दोबारा। नहीं, कुछ सोचते हैं कि मुर्गी के सारे अंडे एक बार में निकाल लो। अरे होते हैं ना कहीं, तो फिर एक ही बार सोने की मुर्गी वाली नहीं। अरे वो एक ही बार होता है ना, दोबारा थोड़ी होता है। ठीक है, तो ये तो सारा QC वाला स्टॉक है, तो कुछ ऐसे पेटी खोलेंगे तो उसमें ज्यादा पता लगेगा ना कैसे स्टॉक आ जाता है। पेटी खोल दे, पेटी खोलते हैं, एक पेटी काम खोल करते हैं, ये सेकंड वाली निकालो। सेकंड वाली निकालो, लो ये वाली आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। माइक गिर गया आपका, पकड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू कर देते हैं। कहाँ है? लो जी, लो इसी से कर देंगे हैप्पी बर्थडे टू। देख लो जी, ये सील लगी हुई है फ्लिपकार्ट की, इधर भी पूरी मतलब टेपिंग हो रखी है, और ये टेप बाहर भी मिलती भी नहीं है ना। ये नहीं, टेप मिल जाती है, ये सील नहीं मिलेगी। फ्लिपकार्ट की टेप मिल जाती है? मिल जाती है। अच्छा, करोल बाग में। बट वो ये वाली नहीं होती, थोड़ा सा फर्क होता है उसमें। तो इसमें मतलब आईफोन वगैरह के भी आता है स्टॉक या नहीं आता? बहुत कम आता है, कम आता है आईफोन का, वन प्लस वगैरह। ये लो, ये देखो जी, मतलब ये बॉक्स वाले फ़ोन भी है सारे इसमें? सारे ही हैं इसमें। अभी आपको स्कैन कर करके बताता हूँ रेट इसके, अब ज़्यादा अच्छा पता लगेगा ना। हाँ, किस ग्रेड में क्या रेट आ रहा है। QC वाले का तो फिर रेट भी थोड़ा अलग हो जाता है। QC वाले तो महंगे ही होते हैं सर, उसमें पता रहता है ना अंदर क्या पीस निकल रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। चलो दिखाते हैं इसमें से कुछ, कौन से कौन कौन से पीस है। ये है सैमसंग का M12। M12 ब्रोकन निकला है, ब्रोकन निकला है। चलो इसकी क्या कैटेगरी होगी? P4 होगा। अभी आपके सामने आ जाए कैटेगरी, मैंने स्कैन करा, रेट आ गया। किसमें आया? दोबारा कर लेंगे। चलो M12 P4 3947 रुपये का। 3947 रुपये का? हाँ, ये है फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड। ठीक है, डैमेज ग्लास ही है, और इसमें शायद डैमेज ही है, ग्लास डैमेज है, ग्लास तो लग जाएगा ना। अभी रेट भी बहुत महंगे हुए हैं ना, ये आया नहीं इसमें। चलो दूसरा मांग लेते हैं। ये P4 में निकला है, Redmi 9 Power। Redmi 9 Power कितने का आ रहा है? P4 की रेशियो आती है आजकल 60-70% के बीच। ये लो, ये ओके निकला है। ये लो, मतलब P4 में कई तो ये ऐसे भी होते हैं एकदम ब्रांड न्यू, जैसे ओपन बॉक्स जैसे भी निकलते हैं। ये P4 है जी, बॉक्स वाला है। और जी इसका क्या प्राइस आ रहा था? 4211 रुपये। इसके ऊपर मार्जिन लेंगे अपना। ठीक है, कितने परसेंट? 3 बॉक्स पे 3%, VRP में भी 2.5-3%, 2.5% जो चल रहा है। और चेक रेट, वो फार्मूला इसमें लगा हुआ है 6400। ये देखो बिल आ गया, स्कैन होके जो भी है कंपनी का, इसमें कुछ परसेंट ऐड हो जाएगा फिर बस। ये लो, ये C25Y P5 में आया, P5 में आया, 3053 रुपये का, 4128। P5 में तो डैमेज होता होगा? नहीं, डैमेज होता है, सही है, ग्लास है थोड़ा सा बस। 3000 रुपये का फ़ोन है, 3000 रुपये में सिर्फ, क्या बुरा। ये लो, डब्बे के साथ है और ये P5 के अंदर। हाँ, ये कौन से हरे हरे थे? Hot 10 Play Infinix, ये भी उसका ही होगा। Hot 11S। अब स्कैन बंद करें, फोन बुलबुल का बच्चा, ये मेरे को लग रहा है P3 होगा, ये नहीं मुझे पता। देखो लो क्या आया, देखो तुम खुद ही कौन सा है। रुको, इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं, मेरे को जो छोटा दिख नहीं रहा ना ये। हाँ, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है। C25Y, ठीक है। अब ये देखना, 2526 का ग्रेड कौन सी है? P4 और डब्बे चार्जर के साथ ओरिजिनल फोल्डर, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, सारे ही ओके निकलेंगे, सारे ही खराब निकलेंगे,
ये लो, ये P1 आ गया। P1 ये तो मतलब ओपन बॉक्स जैसे ही निकलने वाला है। अरे P4 P ऊपर बॉक्स जैसा निकला, ऐसा कुछ नहीं है। P1 देखो ना, लो ये P3 जैसा लग रहा है वैसे। P1 में और ये और वो P4 वाला तो किस हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं ये? इनकी ग्रेडिंग आज तक हमें समझ में लगी है, तो आपको क्या बताएंगे। मैंने P4 में भी नए नए फोन देखे एकदम। हाँ, और ये पकड़ लेते हैं MI का Y2। MI Y2 ये तो P4 होगा। P4 ग्लास ब्रोकन 2790 रुपए का ये क्लास ब्रोकन है, फोल्डर ओरिजिनल है। ठीक है, तो अगला कौन सा दिखा रहे हो भैया? बोले सारी पेटी दे दो मुझे। कौन से? ये वाले। हाँ, सारी पेटी पसंद आ गया। बॉक्स वाले हैं, मैं भी सारी स्कैन करता जा रहा हूँ, रेट अपने आप आते जाएंगे। तो मुझे भी तो दिखाओ ना वीडियो के लिए। ये देखो, मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे देखूंगा, कंडीशन भी देखनी है। फोन की कंडीशन दिखाने, आप रेट देखते जाओ, फोन ओके निकल रहे देख लो अभी स्कैन किए। कौन सा ये Y2 P4 में 2790 का सिर्फ? हाँ। P4 में Y2। अब रेट देखते जाओ ना, व्यूअर्स को रेट दिखाओ, अभी मैं स्कैन करता जाऊंगा वहां रेट आते जाएंगे। A12 P4 M01 और P3 P4 M12 सारे स्कैन हो गए, रेट आ रहे हैं, सारे स्कैन हो रहे हैं, एक नहीं आया इसमें। तो सर से रिव्यू भी ले लेते हैं, सबसे ले लो। सर कब से जुड़े हुए इनके साथ? सर मैं तो एक बार पहले लेके गया था और एक बार अब लेके जा रहा हूँ, माल ओके निकलता है, QC एकदम फर्स्ट क्लास है भैया। प्राइसिंग वगैरह कैसी लगी? सब ठीक चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है, हाँ। माल तो रिकमेंड करोगे है? बाकी लोगों को रिकमेंड करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आइएगा और भैया से जुड़िएगा अच्छी तरीके से, माल ओके चल रहा है बहुत, मतलब अच्छी प्राइसिंग बीच में आपको मिल जाती है ना? हाँ जी बिल्कुल। क्या आगे सेल करते हैं आप फिर? हाँ जी बिल्कुल, मार्जिन अच्छा रहता है, मार्जिन एकदम टॉप फर्स्ट क्लास, 1500-1000 रुपए पीस मिलता है भाई। ऐसा तो नहीं होता कि बेकार पीस निकल जाते? नहीं नहीं, QC करके लेके जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, हाँ जी। QC में भी कैसा रेट मिलता है यहाँ पे? ठीक मिलता है, मार्केट से अच्छा, मार्केट से और अंडर मार्केट से। विदाउट QC लेना हो तो स्टॉक कैसा होता है? वो तो एकदम फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, विदाउट QC ले रहे हो तो उसमें रेट और ज्यादा अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है, तो ऐसा तो नहीं कि नुकसान हो जाए कि बंदा कोई विदाउट QC बॉक्स खरीद ले पूरा? आते हैं तो एकदम फर्स्ट क्लास माल निकलता है सारा का सारा। रिपोर्ट ओके बताइए भाई भैया ने, और ये सर भी आया लेने? नहीं सर, मेरा तो पहली बार है बस, मैं देखा। अच्छा, लेके नहीं जाओगे? नहीं, अभी लेके जाएंगे पर भैया का बिल हो रहा है तो हम देख रहे हैं। अच्छा, अभी फिल्म जो हम मूवी बना रहे हैं वो देख रहे हो? माल तो बिल्कुल सही है, ओके ओके, मतलब लेके जाने वाले हो आप भी? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, इनसे ही पूछ। नहीं, ये शक्ल नहीं दिखाते ना, शक्ल नहीं, हम आपके पेट से बात करेंगे, आप आ जाओ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं तो कर ही रहा हूँ सर। अच्छा, पहले 6-7 महीने से? 6-7 महीने से जुड़े हुए? हाँ। अच्छा, तो एक्सपीरियंस बढ़िया है ना? हाँ जी, एकदम। प्राइस वगैरह अच्छे मिल रहे? हाँ ठीक है बस। ठीक है, तो बोलोगे सबको आ जाए यहाँ पे? हाँ जी हाँ सर। तो अच्छे खासे हमने लाइव रिव्यू भी आप दिखा दिए, भैया के चेहरे पे भी स्माइल आ रही है अच्छे से, अब तो खुशी रहते हैं। स्माइल का एक और राज है, वो नहीं बताऊंगा। ठीक है, सारे स्कैन कर दिया क्या इनका? अरे भी हो रहे हैं, देखो कितने पीस है इसमें? P4 बहुत ज्यादा निकला इसमें, ये भी P4 है, सारे P4 है। P4 के अंदर है ये भी, और ये देखो, ये सारे स्कैन हो गए, सारे हो गए। ये निकालना जरा, मैच करेंगे बाद। मोस्टली P4 है इसमें? हाँ, मोस्टली 70% तो P4 आता ही है। ये देखो, ये वाला कितना प्यारा लग रहा है ना, जो केबल भी आई है इसमें तो। हाँ, ये P4 के अंदर है, ये वाला निकालो। तो ये सारा ऑलमोस्ट सारा P4। तो टोटल कितने की बिलिंग हुई इनकी? इनकी है 5 लाख रुपए। 5 लाख की पेटी है? नहीं, एक नहीं, दो पेटी। अच्छा, दो पेटी है इनकी, 5 लाख की बिलिंग होगी। तो ये भी 2.5 के करीब तो होगी? हाँ, ये हो गए, अभी मैं बनाता हूँ, अभी कर रहा हूँ। ओके, माल निकला भाई का, माल तो सही है। ये देखो टूटा भी निकलेगा, ये नहीं है अभी टूटा नहीं निकलेगा भाई, टूटा भी निकलेगा,
और वो लेना पड़ेगा। तो रेशियो क्या होती है उसकी? 60-40 तो P4 की रेशियो आ रही है। ओके तो 60% जो P4 निकलता है ना, मान लो 60 फोन की P4 पे निकले, उसमें से 40 ओके निकलता है। 40 ओके, बाकी पार्ट मैं बता रहा हूँ ना, 40 बिल्कुल ओके, 5-6 फोन होंगे कॉपी, 7-8 फोन होंगे डैमेज, और 3-4 फोन ऐसे निकलेंगे मतलब जो कॉपी भी होंगे और डैमेज भी। और P3, P2, P1 में क्या होता है? P3 में तो मोस्टली अगर निकलेगा तो बैक रफ, ये P3 में होगा, उसमें सब चीज ओके निकलेगी। बाकी बैक कैमरा ग्लास टूटा होगा तो P3, ठीक है, बैक टूटी होगी P3, बॉडी डैमेज होगी तो P3, फ्रंट टूटा होगा तो P4, फोन बैंड होगा तो P4। जरूरी नहीं है ना, वो तो P4 में भी एकदम अच्छा फोन भी आ जाता है। देखे ही आपने P4 में निकला कैसा निकला। तो अच्छे में एकदम एक ऐसा भी आ जाता है कि ओपन बॉक्स कैटेगरी जैसा भी, ब्रांड न्यू जैसा भी आता है। और P2, P1 में तो एकदम बढ़िया ही होता होगा। नहीं, खराब तो कभी कभी निकल आता है सर, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। परफेक्ट क्या है दुनिया में, मुझे ये बताओ। परफेक्ट आपके रेट है ना? रेट तो हम देते ही हैं। तो जैसे कि हमने पीस कुछ दिखाया स्कैन करके, भैया ने पेटी टू यहाँ पे लिए, पूरी पेटी खरीदी है और परसेंट में प्राइस दे दी। अच्छा, 2% में कितने की डिलीवरी इनकी? इनकी ये देखो, अभी एक पेटी स्कैन करी है, अभी एक होनी है। ठीक है, कस्टमर की काफी भीड़ है, मतलब ऐसे लग रहा है बाजार में खड़ा हूँ मैं। तो सर कितने, मतलब मिनिमम पीस कितने ले सकते हैं यहाँ पे? सर 5 पीस ले लो, 10 ले लो, 2 ले लो, हम सब कर देते हैं। कम से कम 5 पीस पे मिल जाएगा होलसेल में? मिल जाएगा होलसेल के अंदर 5 पीस में। तो वो तो QC चेक वाला होता होगा ना, कैसा होता है स्कैन करके? माल पेटी में खरीदने में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मुझे 5 पीस लेने हैं तो आप कैसे दोगे मुझे? 29 पीस की स्कैन करे हुए दोगे? क्या कंडीशन है, क्या नहीं? क्यूसी में लेना वगैरह बताओ ना मुझे। 5 पीस लेने आपसे मिल जाएंगे? कैसे मिलेंगे? आओ चेक करो, अपनी मर्जी से माल छांट लो, दे देंगे। तो उसकी प्राइसिंग मुझे स्कैन करने के बाद पता लगेगी। और मैं कंडीशन देख लूंगा ऐसे तो चेक करके? कंडीशन देख लोगे तो फिर प्राइस अलग हो जाएगा। अच्छा, जब तो सोच रहे हैं तो मेरे को 5 पीस लेने तो ऐसे मिलेंगे कि ये 5 हो गए? ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा, अगर आप बोलोगे मुझे रेट बता के दो, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब ऐसे 5 पीस मिलेंगे जिसमें कुछ पता नहीं है, उसके बाद स्कैन होगा, जो प्राइसिंग वगैरह वो मेरी है। अगर उसमें से आप बोलोगे हाँ मुझे हटाना है तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। और QC चेक करके लेना है तो वो तो हटा सकते हो, उसमें कोई स्कैन होने के बाद मेरा है ना। वो या तो बिल, सीधी सी बात है, आपने 20 ले लिए, 30 ले लिए, चाहे सारे P4 आ जाए, चाहे सारे P2 आ जाए, बिल नहीं बनेगा पूरा, जो होगा आपका वो। 10 पीस को छोटे के सिस्टम रहेगा ना। ठीक है, तो डिलीवरी कहाँ तक हो जाती है? पूरे पैन इंडिया डिलीवरी है। और ऑनलाइन कोई कैसे परचेज करे? ऑनलाइन बॉक्स की लिस्ट दे देंगे। अच्छा, P2P लेना है तो फिर आप वीडियो कॉल पे दिखा देंगे, QC लेना है तो उसकी लिस्ट दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके सारा सिस्टम हो। ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बैटरी यही रहेगा। ऑनलाइन हमने ऐसे अपनी एप्लीकेशन बनवा दी है। अच्छा, पर अभी उस पर काम चल रहा है, उसमें पेमेंट गेटवे नहीं लिया गया अभी। ठीक है, तो अभी उसमें मेरे लग रहा है 1 महीना और लग जाएगा एप्लीकेशन बनवा। डायरेक्ट वहीं से परचेज कर लो, वहीं से परचेज करो, वहीं पे पेमेंट करो, आपके घर पे आपके स्टोर। तो QC चेक वाला ही होता होगा मोस्टली? मोस्टली QC चेक और बॉक्स टू बॉक्स। ठीक है, P2P नहीं बेचेंगे उस पे। जैसे कि तो जैसे बिल ज्यादा से ज्यादा प्रेफर तो यही करो कि विजिट करके आओ, यहाँ पे देखो अपनी आंखों के सामने। यहाँ भी लोग आ रखे बंगाल से, पंजाब से, भैया जिन्होंने पेटी लिए पंजाब से, वो अभी उड़ीसा से आए थे और उसके पहले एक बार भैया आए थे बंगाल से, आए थे हिमाचल से, एक ही दिन में पूरा इंडिया निपटा तो देते होंगे आप, है ना? पूरा तो नहीं चलो, थोड़ा बहुत तो आधा तो ही जाता होगा। ठीक है, तो यही आज 2 बजे तक तो हम खाली बैठे थे, मैं सोच रहा था 3 बजे घर चला जाऊं, उसी टाइम मेरा फोन आ गया। हाँ, तुम्हारा फोन आ गया, ऊपर से कस्टमर 1, 2, 3, 4 माल आया तो फिर बेचना शुरू कर। ठीक है, ये हमारा बन गया 241। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। P2P में प्रैक्टो में आप यहाँ पे माल खरीद सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। 5 पीस भी आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, होलसेल के अंदर आपको मिल जाएगा। बॉक्स टू बॉक्स चाहिए वो भी मिल जाएगा, बाकी QC चेक चाहिए वो भी मिल जाएगा, P2P भी मिल जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।